सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम भाग करेंगे और अपने उत्तर की पड़ताल करेंगे। तो हमारा जो आज का विषय है वो है भाग करें, भाग करो और उत्तर की जांच कर। यह हमारा आज का विषय है। हमने पहले भी भाग किए, आज भी भाग के कुछ सवाल करते हैं और फिर उनकी उत्तर की पड़ताल भी करते हैं। पहले कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। हमारे पास जब भी हम भाग करते हैं, हमारे पास क्या हो, एक भाज्य है। भाज्य वह संख्या है जिसको भाग किया जाता है। दूसरा हमारे पास है भाजक। भाजक वह संख्या होती है जिसके द्वारा भाग किया जाता है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास भागफल। क्या है भागफल? जो हमारे पास भाग करने के बाद जो उत्तर आता है वो भागफल कहलाता है। और नीचे हमारे पास बचता है शेषफल। तो ये हमारे पास वस्तु, इनको जैसे ये भाज्य है, भाज्य को इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिव से लिखते हैं। ये डिवाइजर है, इसको डी से लिखते हैं। ये हमारे पास भागफल है, ये क्वोशंट है, इसको क्यू से लिखते हैं। और ये रिमाइंडर है, इसको आर से लिखते हैं। तो जब भी हमें उत्तर की पड़ताल करनी है, उत्तर की जांच करनी है, तो उसके लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। उसका हमारे पास एक फार्मूला है कि भाज्य 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 बराबर है भागफल गुना भाजक जमा शेषफल। शेषफल अगर ये दोनों हमारे बराबर जाते हैं तो हमारा जो उत्तर है वो सही है। तो इसको बड़ा भी है, इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। वैसे आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आपके पास भागफल और भाजक है, तो क्यू क्वोशंट है, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, डिवाई और इसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। ये एक इंग्लिश में है, ये छोटा फार्मूला है, दोनों को लिख सकते हैं आपके लिए जो है। तो चलिए, जो हमने अभी बात की है उसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं। हमारे पास भाजक है, मान लो 327 है। 327 को हम भाग कर रहे हैं 8 से। तो ये क्या है हमारे पास जिसको भाग किया जाता है? ये भाज्य है, भाज्य। और जो भाग कर रहा है ये क्या है? भाजक है, भाग करने वाला भाजक। और जिस संख्या को भाग किया जाता है वह भाज्य है। भाज्य को यहाँ पर लिखेंगे, हमेशा भाज्य को इसके अंदर लिखा जाता है। और 8 से हम भाग दे रहे हैं, ये हमारा भाजक है। तो सभी बच्चों को पता है कि हम क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। तो ये 8 का पहाड़ा तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक उसमें 32 आ जाए। अगर नहीं आता तो उससे छोटा देखें कोई। तो अभी रीड करते हैं 8 का पहाड़ा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। तो ये 8 चौके 32 पूरा पूरा आ गया। तो यहाँ आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0। फिर हम अगला अंक लिख लेंगे। यहाँ पर ये 7 है, ये 7 छोटा है, नहीं जाएगा, तो हम 0 लगाते हैं। तो वैसे भी अगर 8 0 0 करें ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, 8 0 0 ही आएगा। तो क्योंकि अगर 8 एकम 8 करेंगे, 8 तो उसके नीचे नहीं आ सकता ना, तो ये हमारे पास 7, ये शेषफल बच जाएगा। ये शेषफल, ये हमारा क्या है, ये भागफल है। ये आ गया, ये बाकी हमने, अब हम क्या करेंगे,
अपने उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच तो उसके लिए क्या वही डिव या भाज्य, भाज्य बराबर किसके होगा, भागफल गुना भाज्य जमा शेषफल, जमा शेषफल। ये होगा। तो अब हम इसको आगे करने करेंगे। तो ये हमारे पास जो भाज्य है उसे वो 327 है। अगर इनको करने पे 327 के बराबर आ जाते हैं तो हमारा जो है वो उत्तर सही जाएगा। हमारे पास जो भागफल है वो 40 है और जिससे हम भाग कर रहे हैं वो 8 है और शेषफल हमारे पास 7 है। पहले इन दोनों की गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 से करेंगे 0, फिर 4 से करेंगे 8 चौका 32 और इसमें 7 जोड़ देंगे। 320 में जब 7 जोड़ेंगे तो 327 आ जाएगा और जो हमारा भाज्य है वो भी क्या था, 327 था। दोनों तरफ ये बराबर आ गया। तो यह हमारे उत्तर की जांच हो गई कि हमने जो भाग की थी वो ठीक है। अभी भाग के लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। वैसे तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, परंतु फिर भी एक उदाहरण से दोबारा इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। हमारे पास संख्या है, एक संख्या हम लेते हैं 8, 7, 9 और इसको हम भाग करते हैं, इस बार 7 से भाग करते हैं। तो जब हम इसको भाग करेंगे 7 से तो पहले इसको लिखेंगे यहाँ पर, फिर जो हमारा भाजक है 7 उससे भाग करेंगे। पता ही है हमें पहाड़ा किसका पढ़ना है, पहाड़ा हमने 7 का पढ़ना है। या तो पहाड़े में पहला अंक लेंगे 8, 8 बड़ा है तो 7 × 1 = 7, ये ही आ पाएगा यहाँ पर, इससे अगला नहीं आएगा। माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर अगला अंक उतार लेंगे, अगला अंक हमारा 7 है, ये 7 यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमने 7 के पहाड़े में 17 देखना है। अगर 7 के पहाड़े में 17 है तो ठीक है, नहीं तो उससे छोटा 16 देखेंगे। अगर 16 भी नहीं है तो फिर उससे छोटा 15 है, फिर से छोटा 14 है। देखते हैं 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। तो 21 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि 21 तो 17 से बड़ा है। तो 7 × 2 = 14, यहाँ पर 14 ही आएगा। फिर इसको माइनस करेंगे, 7 में से 4 गए, हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 0। फिर अगला अंक हमारे पास ये है 9, इसको यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमारे पास 39 है, फिर हमने 7 का पहाड़ा पढ़ना है। वही 7 का पहाड़ा लिख ही देता हूँ एक बार, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, इससे आगे जरूरत नहीं लिखने की 42। तो पहले हमने 8 था तो 8 से पहला ही देखना है या 8 देखना, 8 तो नहीं था ना, तो 8 से पहला 7 था, तो 7 × 7 ये यहाँ पर आ गया था। फिर एक शेष बता था, फिर हमने अगला अंक उतारा 17 बना था, फिर हमने 17 देखना है। अब 7 × 14 = 21 तो बड़ा हो गया ना, ये तो नहीं, उससे पहला 14 ही है, तो 7 × 14, तो ये 14 आ जाएगा। 7 में जब 4 गया है 3 बचेगा, फिर अगला अंक 9 उतारेंगे, ये 9 हमने यहाँ उतार लिया ना, तो ये 39 बन गया। अब हम 7 के पहाड़े में फिर देखते हैं कि 7 × 7, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 42 तो नहीं आएगा किसी भी हाल में, क्योंकि 42 तो बड़ा है इससे, तो फिर क्या है, उससे छोटा हमारे पहाड़े में 35 है, तो अब 35 ही आएगा यहाँ पर। और 35 क्या है, ये 7 × 7 = 35, 5 पे आया है, तो ये आ गया। फिर 9 में से 5 गए 4, यहाँ 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा शेषफल है, ये शेषफल है। और ये पता ही क्या है, ये हमारा भागफल है, यह हमारा भागफल है। और जिससे हमने भाग किया वो हमारा क्या है, भाजक, वो क्या है, भाजक। और
जो संख्या है जिसको भाग दे रहे हैं, ये यहाँ लिखी हुई है, ये भाज्य है। ये क्या है? भाज्य। अब उत्तर की पड़ताल के लिए, उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे? की जांच, उत्तर की जांच के लिए फिर वही अपना जो हमारा सूत्र है, फार्मूला है, उसका ही प्रयोग करेंगे। तो वो अब पहले मैंने हिंदी में लिखा ना, तो इस बार मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। वो क्या है? डिव। डिव क्या होता है? आपका आपका भाज्य है। फिर उसको आप क्या लिखते हैं? क्यू इंटू डी। डी आपका क्या है? डिवाइजर है, जिससे हम भाग देते हैं। प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? आपका जो शेषफल है। तो क्यू हमारे पास ये है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ना, ताकि आपको रहे। क्यू ये है, ये आर है, ये डिव है ये वाला, और ये आपका डी डिवाइजर है। मैंने यहाँ भी लिख दिया ताकि आपको ये, तो हम इसका मान लिख लेते हैं। क्यू हमारे पास 125 आया है, और जो डिवाइजर है वो हमारा कितना है? वो 7 है, और रिमाइंडर 4 आया है। तो अब क्या करेंगे हम इसको? इन दोनों अंकों को हम गुना करेंगे ना, दोनों संख्याओं को गुना करके फिर उसमें 4 को जोड़ देंगे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं। यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ मैं, ताकि हम आसानी से गुना कर पाए। तो यहीं पर 125 को गुना करना है 7 से। तो 7 का पहाड़ा 5 तक, 7 सतो पंजो 35, ऊपर मैंने पहाड़ा लिखा हुआ, अब ये 35 और 3 क्या जाएंगे? हासिल। तो ये 3 क्या जाएंगे? हासिल। तो ये 3 हासिल है, मैंने लिख दिया है। 7 दूनी 14, ये 14 है, और 3 उसमें ऐड करेंगे, 14 और 3 17 आ जाएगा। 17 का फिर 7 यहाँ जाएगा, 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 हासिल आ जाएगा। 7 एकम 7 और 1 8, ये 875 आ जाएगा, और इसमें हम जो 4 है वो जोड़ देंगे। तो जब 4 जोड़ेंगे तो ये वही 879 हो जाएगा, और हमारा जो डिविडेंट है वो भी। तो यह हमारे उत्तर की पड़ताल हो गई, और हमारा उत्तर क्या है? सही है। तो इस प्रकार आप भाग कीजिए, और आपने भाग ठीक की है या नहीं की है उसको आप उत्तर की पड़ताल या उत्तर की जांच के द्वारा इस फार्मूले का प्रयोग करके, यह मैंने 2 दफ़ा लिखा हुआ है, और 1 दफ़ा यहाँ लिखा हुआ है, और ऊपर भी लिखा हुआ है, इस फार्मूले का प्रयोग करके आप अपने आप के चेक कर पाओगे कि आपका जो सवाल है वो ठीक गया या नहीं। बस वही हर रोज की तरह है, अब कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं ना, क्योंकि बिना अभ्यास कार्य के तो हमारा काम पूरा होगा ही नहीं। तो अभ्यास कार्य, यहाँ मैं कुछ सवाल आप लोगों के लिखता हूँ, आपने यह सवाल अपनी कॉपी पे भी करने हैं और इनको समझना भी है। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको भाग करना है आपने 6 से। एक ये दूसरा है, इसको भाग करना है आपने 8 से। फिर यहाँ पर ये तीसरा, ये हो जाएगा आपका, इसको भाग करना है 9 से। फिर ये चौथा, इसको आपने भाग करना है 8 से, और एक और इसको आप भाग करना है 11 से। तो ये कुछ सवाल आपके लिए हैं, ये आपने अभ्यास कार्य करना है। इसी के साथ ही ये कार्य हमारा समाप्त होता है। सभी बच्चों का दोबारा से धन्यवाद।